कपास के दामों में फिर एक बार तेजी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को महाराष्ट्र के वर्धा जिले की मंडियों में कपास का 9,100 रुपए क्विंटल तक दाम मिला। आने वाले दिनों में दामों में और तेजी आने की संभावनाएं कृषि विशेषज्ञों ने जताई हैं। इस वर्ष कपास का क्षेत्र कम होने तथा कोरोना का प्रभाव कम रहने के कारण शुरू से कपास के दामों में तेजी रही है। शुरू के दिनों में कपास के दाम 9,000 के करीब पहुंच गए थे, लेकिन आवक बढ़ने के बाद कपास के दामों में कुछ गिरावट देखी भी गई थी, जिसके बाद कपास के दाम 8,500 के आसपास स्थिर बने हुए थे, लेकिन अचानक अब तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। अतिवृष्टि और बॉन्ड इल्ली के कारण कपास की फसल इस बार बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे उपज में कमी आने का अनुमान जताया जा रहा है। कपास की बढ़ती मांग व उपज की कमी के कारण मंडियों में कपास की आवक कम हुई है। दिसंबर महीने बीतने के उपरांत भी मंडियों में आवक कम होने की जानकारी जिनिंग संचालकों ने दी है। अनेक किसानों ने कपास की फसल उखाड़ने के कारण आगे उत्पादन में कमी होने का अनुमान भी जताया है। परिणामवश सोमवार को अचानक कपास के दामों में तेजी आई। जानकारों की माने अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो आने वाले 1.5 महीने के भीतर कपास के दाम 10,000 के पार पहुंच सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगने पर ही दामों में गिरावट आ सकती है। किसान कपास बेचने की जल्दबाजी ना करें, बाजार की स्थिति का अवलोकन करने के उपरांत कपास बेचें, ऐसा जानकारों का कहना है। वर्तमान में जिनिंग में कपास की आवक कम हुई है। कम उपज व बॉन्ड इल्ली के कारण कपास का उत्पादन कम होने का अनुमान है। परिणामवश बाजार में तेजी आ रही है और आने वाले दिनों में कपास के दाम और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।